अगर आपने वैक्सीन लगवा रखा है और उसकी सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जैसी, तो वीडियो को साथ लगातार बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं शशि और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल SKB ऑनलाइन वाला। वैसे तो वैक्सीन सर्टिफिकेट COVID-19 की वेबसाइट पर भी जाकर डाउनलोड किया जा सकता है, लेकिन वहाँ से जो सर्टिफिकेट डाउनलोड होती है वो ब्लैक एंड व्हाइट में होती है, साथ ही उसमें फ़ोटो आपको नहीं दिखता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम बिल्कुल एडवांस सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकें जिसमें मेरा फोटो आए और कलर में हो, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वैसे इस सर्टिफिकेट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तब होती है जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, कहीं आप सफ़र कर रहे हैं और आपको सर्टिफिकेट की डिमांड की जा रही है, आपको दिखाने के लिए बोला जा रहा है, तो आप इसको दिखा सकते हैं। चूँकि ये बहुत ही कम साइज में होती है आधार कार्ड पैन कार्ड जैसा, तो आप इसको अपनी आसानी से जेब में भी रख सकते हैं। पूरी प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताया हुआ है कि किस तरह से डाउनलोड करना है। तो वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको अपना मोबाइल या कंप्यूटर का इंटरनेट ब्राउजर ओपन करना है, और ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार में आपको टाइप करनी है यूनिवर्सल पास। यूनिवर्सल पास लिख के जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा, सबसे ऊपर ही इश्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसकी होम पेज पर आप चले आएंगे। इसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद नीचे आपको आना है यहाँ पे सिटीजन के अंदर। इसके बाद एक ऑप्शन आपको मिलता है यूनिवर्सल पास फॉर ड्यूअल वैक्सीनेटेड सिटीजन्स, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एक मोबाइल नंबर डालने की ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो वही आपको मोबाइल नंबर डालनी है जिस मोबाइल नंबर को आपने वैक्सीन लगवाते समय दिया था, यानी कि जो आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालनी है। और डालने के बाद यहाँ पर सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। जैसे ही सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को यहाँ पर दर्ज करनी है। दर्ज करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। तो जैसे यहाँ पर OTP डाल के सबमिट करेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि आपके नंबर पे कितने लोगों का वैक्सीन लगा हुआ है। जैसे मेरे नंबर पे 2 लोगों का लगा हुआ है तो 2 का यहाँ पे नाम आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी रेफरेंस नंबर भी दिख जाएगा और डेट ऑफ सेकेंड डोज भी दिख जाएगा, जो लास्ट डोज आपने लगवाया है उसकी तारीख भी यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे एक्शन के नीचे तो एक ऑप्शन आपको मिलती है जनरेट पास का। मैं बता दूँ कि पहले ही यहाँ पर एक का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रखा है, इसलिए यहाँ पर व्यू पास और चेंज फोटो का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन दूसरे वाला का देखेंगे तो यहाँ पे जनरेट पास का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि आपने अगर सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं किया है तो यहाँ पे जनरेट पास का ऑप्शन मिल जाएगा। तो क्या करना है आपको, इसी को ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है जनरेट पास वाला पे। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगे, जैसे कि आपका नाम, बेनिफिशियरी रेफरेंस नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा और वैक्सीन का नाम भी आ जाएगा कि कौन सा आपने वैक्सीन लगवा रखा है, फर्स्ट डोज कब लगवा रखा है उसकी भी यहाँ पे तारीख आ जाएगी, सेकेंड डोज आपने कब लगा रखा है उसकी भी तारीख यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे फ्रेंड्स एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा अपलोड फोटो का, तो यहाँ पे मिनिमली आपको फोटो अपलोड कर देनी है जो फोटो आप सर्टिफिकेट पे दिखना चाहते हैं, तो इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद जहाँ पे आपने फोटो रखा होगा वहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं फोटो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, और होने के बाद यहाँ पे एक चेकबॉक्स आपको मिलती है टर्म एंड कंडीशन का, इसके ऊपर आपको चेक कर देनी है। चेक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, यूनिवर्सल पास विल बी सेंड टू यू इन 24 आवर्स। मैं बता दूँ कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 24 घंटे में आपका मैसेज के माध्यम से आपका यूनिवर्सल पास सेंड कर दिया जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि यहाँ पर 24 घंटा वेट करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर जस्ट आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से आपको इसी वेबसाइट पे आनी है और आने के बाद यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस करनी है। जैसे यहाँ पे यूनिवर्सल पासपोर्ट ड्यूअल वैक्सीनेटेड सिटीजन, इसी के ऊपर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के फिर से आपको मोबाइल नंबर डालनी है और OTP डाल के यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा हम लॉगिन कर चुके हैं, और लॉगिन करने के बाद नीचे वाला में भी यहाँ पर एक्शन के नीचे देखेंगे तो व्यू पास का ऑप्शन आ गया और चेंज फोटो का ऑप्शन आ गया। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर चेंज फोटो करने का, यानी कि जो सर्टिफिकेट में आपका फोटो दिख रहा है वो फोटो को बदलना चाहते हैं, तो चेंज फोटो का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो व्यू पास का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पेज यहाँ पे लोड लेगा, लोड लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो गया है, जैसे कि आपका नाम, आपका उम्र, सारा चीज़ यहाँ पे दिखेगा, जो फोटो आपने लगाया था फोटो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सारा चीज़ आपको मेंशन किया हुआ रहता है,
जैसे कि आपकी बेनिफिशरी आईडी है, आपका यहाँ पर फर्स्ट डोज कब लगवाया था वो भी यहाँ पे दिख रहा है, सेकेंड डोज आपने कब लगवाया था वो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है। आपको ये QR कोड भी मिलता है, इसको भी स्कैन करके आप अपने सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर या मोबाइल में आपकी सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर में सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है। अब इसको प्रिंट आउट करके आप निकाल सकते हैं, निकाल के लेमिनेशन कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा कि कितना आसान था फोटो वाली वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।